हाँ नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपुल कुमार परेड़ो। आज के अपने इस लेशन में हम बात कर रहे हैं इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी के अंतर्गत। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में आपको लगभग आधा पोर्शन कंप्लीट करवा दिया था। आज इसका कम्युनिटी का अपना ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले अपन ने लास्ट जो लाइन की अपने बताया, समुदाय का नामकरण हम किस हिसाब से करते हैं, पर्टिकुलर जैसे किसी वनस्पति से हम ले रहे हैं, जीव से पादप के आधार पे ले रहे हैं तो उस समुदाय का नाम पादप के आधार पे हो जाता था, जंतु के नाम पे ले रहे हैं तो जंतु के नाम पे हो जाता था, आवास के नाम पे ले रहे हैं तो आवास के नाम पे हो जाता था। आज हम कम्युनिटी के अंतर्गत उसकी जो विशेषताएं हैं जिनसे कि उसका स्पेसिफिक करेक्टर क्लियर होता है उनकी हम बात कर रहे हैं। करेक्टर ऑफ ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के क्या क्या करेक्टर होते हैं उन करेक्टर को हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो है अपना एनालिटिकल, और दूसरा है सिंथेटिक। एनालिटिकल जो डाटा है या करेक्टर है, इसके अंदर आप किसी भी चीज का विश्लेषण कर सकते हैं। भाई मेरे को इन करेक्टर के अंतर्गत ये चीजें समझ में आ रही है कि इसका गुण क्या है, इसकी मात्रा क्या है, जिनके अंदर हम उसके ऊपर पूरी बात कर सकते हैं। सिंथेटिक में ओवरऑल जो संश्लेषण निकल के आ रहा है कि हाँ मैं इस चीज को देखते हुए ये घोषणा कर सकता हूँ या इसके बारे में मैं ये बात कह सकता हूँ, तो वो आपका सिंथेटिक के अंदर आ जाएगा। एनालिटिकल करेक्टर को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्वांटिटेटिव, और दूसरा है क्वालिटेटिव। यहां पर दो करेक्टर निकल के आ रहे हैं एनालिटिकल के अंतर्गत, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो है ये गुणात्मक होता है, गुणात्मक, और क्वालिटेटिव है वो उसकी मात्रा को शो करते हैं कि साहब इसका वॉल्यूम क्या है, घनत्व क्या है, बायोमास क्या है, ऊंचाई क्या है। ये सारी चीजें क्वालिटेटिव के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव के अंतर्गत हमको जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं या उसकी जो प्रॉपर्टी हमको दिखाई दे रही है उस प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करते हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्वांटिटेटिव के ऊपर बात करते हैं। गुणात्मक या क्वांटिटेटिव, गुणात्मक में जैसे सबसे पहले है वानस्पतिक संगठन, गुणात्मक के अंदर सबसे पहले है जैसे वानस्पतिक संगठन। वानस्पतिक संगठन की यदि हम बात करें तो पर्टिकुलर किसी भी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे पादप या बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां का जो डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना का, वो आपको ऐसा स्पष्ट देखने को मिलेगा जो किसी दूसरी कम्युनिटी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि एक जो समुदाय है उसका वानस्पतिक संगठन विशिष्ट होता है। जैसे मैं कहूं कि साहब अरावली पर्वतमाला है, आप लोग अच्छे से जानते हैं अरावली पर्वतमाला। अब अरावली पर्वतमाला में बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन जैसे एनोजीसस वन है, एनोजीसस वन, ये पर्टिकुलर आपको अरावली पर्वतमाला में स्पष्ट रूप से दिखाई देने को मिलेगी। जी उसी प्रकार जैसे किसी मरुभाग की बात करें या मरुस्थल की बात करें तो वहां पर आपको अकेशिया या कैपेरिस, ये प्लांट थोड़े से अन्य पादपों की तुलना में ज्यादा मिलेंगे। जो ही हम किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाते हैं तो वहां की जो वनस्पति है वो उसके भौगोलिक स्वरूप को दर्शाती है कि साफ जैसे बहुत ज्यादा ठंड है तो ठंड के हिसाब से पादप मिलेंगे, गर्मी ज्यादा है तो गर्मी के हिसाब से मिलेंगे। रेगिस्तानी इलाके में वनस्पति अलग प्रकार की होगी, मैदानी भाग की अलग होगी, पठार की अलग होगी। तो ये एक प्रकार का वानस्पतिक संगठन जो वहां पर पाया जाता है।
ये हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ये कहलाता है वानस्पतिक संगठन। दूसरा है इसमें स्तरीकरण, एक समुदाय में जो स्तर पाए जाते हैं या उसका जो लेयरीकरण होता है वो देखिए स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है ये क्लियर विजन में आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी जंगल की बात करते हैं, ये ग्राउंड हो गया, ये मिट्टी है, सॉइल ऊपर लेयर है। अब कुछ वनस्पति तो बिल्कुल छोटी सी है जो बिल्कुल निम्न स्थल पर पाई जाती है, कुछ थोड़ी सी बड़ी होंगी झाड़ियों टाइप में, कुछ मीडियम साइज के पादप होंगे और कुछ पादप ऐसे होंगे जो सबसे ज्यादा हाइट पे होंगे। एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको वनस्पति के बारे में बता रहा हूं। ये जमीन है नीचे, मृदा इसके लास्ट छोर पे है ऊपर ऊपर, उसके बाद में झाड़ियां छोटी छोटी जो सतह के चिपक के रहती है, इनका विकास ज्यादा नहीं होता, केवल मृदा से ऊपर ऊपर के लेयर पर रहती है। उसके बाद में श्रब्स हैं जो झाड़ियां हैं, ये थोड़ी सी बड़ी होंगी इससे, फिर मीडियम साइज के पादप होंगे और फिर एट द लास्ट सबसे ऊंचाई पे जो पादप होंगे। तो अब इनका स्तर बनाया गया, जैसे ये कैनोपी, ये आपका अंडर स्टोरी हो गया, ये आपका श्रब्स हो गया, ये ग्राउंड लेवल के प्लांट हो गए और एट द लास्ट ये सॉइल। देखिए अब इसमें क्लियर रूप से चार स्तर या पांच स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर जिनकी हाइट है वो कैनोपी में आ गए, बिल्कुल जो ऊपर जाकर कवर कर रहे हैं। सेकंड है अंडर स्टोरी प्लांट जो मीडियम साइज के, ना ही तो बिल्कुल छोटे ना ही बिल्कुल बड़े, बीच की अंडर स्टोरी। थर्ड है सिर्फ झाड़ियां जो है वो थर्ड में आ गई, फोर्थ में आ गए जो ग्राउंड लेवल पे प्लांट उग रहे हैं वो, और लास्ट में सॉइल। अब देखिए समुदाय के अंदर इनकी विशिष्टताएं क्या है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, अब ये सूर्य का प्रकाश जो गिरेगा सबसे पहले इन पे रहेगा, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि ज्यादा होगी तुलनात्मक इसके, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधे आ रहा है, उसके बाद में इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। इस प्रकार समुदाय में इन चीजों का फर्क पड़ता है कि उनका स्तर किस तरीके से। ये तो हो गई है मैदानी बाग का स्तरीकरण जिसमें आप पादप से इसकी तुलना कर रहे हैं। यदि यही कहानी मैं एक तालाब के अंदर या झील के अंदर या समुद्र के अंदर देखना चाहूं तो ये ऊपर की लेवल हो गई, ये पानी भरा हुआ है नीचे, अब इसमें जो पानी भरा हुआ है इसमें जो सबसे ऊपर की लेयर है ये एपिलिमनियन कहलाती है, ये मेटालिमनियन और ये हाइपो। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं ये ऊपर सूर्य रहा, सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें एपिलिमनियन इलाके में आएगी सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सबसे ऊपर का जल है, फिर उसके बाद में मेटा के अंदर, फिर हाइपो। अब देखिए इस जगह पर जो जो वनस्पति पाई जाएगी या जो जो जंतु रहेंगे या पादप रहेंगे उनमें सूर्य के प्रकाश से जो भी घटनाएं प्रभावित होती है वो घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगी। यहाँ पर प्रकाश ज्यादा है तो यहाँ पर क्रियाएं ज्यादा होंगी, मध्य में मध्य हिसाब का है तो मध्य में होंगी, और हाइपो में बिल्कुल कम है तो यहाँ पर आपको जीव भी ऐसे मिलेंगे बिल्कुल जो प्रकाश के प्रति अनुक्रिया बिल्कुल कम दर्शाएंगे, या ऐसी वनस्पतियां मिलेंगी जिनमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सबसे कम होगी। इसके बाद में है कालिकता, समुदाय का एक अभिलाक्षणिक गुण है कालिकता, पीरियड सिटी। कालिकता तीन प्रकार की होती है, कालिकता का मतलब देखिए सीधा से समझिए, काल का जो फ्लेंस रहता है जो समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। अब एक तो है दैनिक समय से परिवर्तित होने वाले, दूसरा है चंद्र गति से प्रभावित होने वाले, और तीसरा है मौसमीय। दैनिक गति के अंतर्गत ये दैनिक जो कालिकता दर्शाते हैं, जैसे फूल का खिलना, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो प्रतिदिन खिलते हैं और शाम होते ही मुरझा जाते हैं, इसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि दिन में संपन्न होती है रात को नहीं होती है, तो ये वो घटनाएं हैं जो दैनिक कालिकता को दर्शाते हैं। दूसरा है चंद्र कालिकता, चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी
तीनों की गति के फलस्वरूप जो होती है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ज्वार भाटा। समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा चंद्रमा की गति के अनुसार ही नियंत्रित होता है कि साफ गति किस तरीके से संपन्न होती है। तीसरा है मौसमी कालिकता। मौसमी कालिकता का मतलब है, या इसको आप दूसरे शब्दों में सौर कालिकता भी कह सकते हैं, सोलर कालिकता जो है, या सौर कालिकता जो है, इसके अंदर सूर्य और पृथ्वी दोनों अपने निश्चित गति पर, उसका पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। इस चक्कर लगाने के फलस्वरूप पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, देखिए, किसी जगह पहाड़ है, किसी जगह समुद्र है, किसी जगह मैदानी है, जो भू आकृतिक परिवर्तन होते हैं वो इससे संबंधित होते हैं। वनस्पतियों के लिए हम बात करें तो वनस्पति के अंदर पराग कणों का प्रस्फुटन होना, अंकुरित होना, नए फूल का बनना, नए बीज का उगना, ये सब इसमें आता है। और जैसे जीवों के अंदर बात करें तो जीवों के अंदर देखिए एक निश्चित समय पर जैसे प्रजनन की प्रक्रिया होती है, अंड निक्षेपण की प्रक्रिया होती है, जैसे आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हो मधकाल होता है, तो निश्चित महीने के अंदर ही मधकाल आएगा, फलस्वरूप प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होगी। ये नहीं है कि प्रतिदिन ही चल रही है, ये एक समय स्पेशल के बीच। तीसरा जो मौसम है, सर्दी, गर्मी और वर्षा, ये तीनों सूर्य के गति के फलस्वरूप ही संपन्न होता है। जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो उसी हिसाब से मौसमों का निर्माण होता है, तो ये सोलर कालिकता कहलाती है। तीनों आपके क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, विटेलिटी या जीवन या संकर वंश, इसमें आप संकर को रहने दीजिए। जीवनोज जो है, विग्योर या विटिलिटी जो है, समुदाय के अंदर जितने भी जीव हैं वो सभी जीवन से कूट कूट के भरे हुए हैं। सबों के अंदर जीवन होता है, जीवन मृत्यु ये सभी एक निश्चित क्रम से चलते रहते हैं, तो सभी जीव अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात जो उनका जीन बैंक है वो जीन बैंक प्रजनन के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है, वो पूरा फंक्शन उसका रहता है। नेक्स्ट है जीवन व्रत। एक समुदाय की हम बात करें तो उस समुदाय में कई चीजें होती है, लाइफ जो है वो कई फॉर्म में रहती है, जैसे किसी की पत्ती छोटी सी होगी, किसी की पत्ती बड़ी है, कोई सुच्चकार पर्ण है, कोई पर्णपाती वन है, किसी की पत्ती का जैसे आप केले की लीफ देखिए इतनी बड़ी सारी लीफ है, तो सबों के अंदर अपना अपना जीवन फॉर्म जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। एट द लास्ट है सोशलिटी, सामाजिकता। समुदाय में सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, कोई भोजन के लिए आश्रित है, कोई आश्रय के लिए आश्रित है, तो उनमें एक सामाजिकता पाई जाती है। जैसे आप कहो दीमक है, मधुमक्खी है, इनमें आप यदि स्पष्ट रूप से देखना चाहो तो उनमें आपको सामाजिक संगठन भी देखने को मिलेगा। मधुमक्खी के अंदर रानी है, श्रमिक है, सैनिक है, ये सारे एक सामाजिक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट आइए, ये तो हो गए आपके गुणात्मक, जिनसे कि आप उनके गुणों से उनकी व्याख्या कर सकते हैं। अब आइए मात्रात्मक पे। क्वालिटेटिव, इसमें आप देखिए जो इसका दूसरा फॉर्म है वो है आपका मात्रात्मक लक्षण। मात्रात्मक लक्षण की हम बात करें तो यहां पर उसका वॉल्यूम निकल के आएगा। इसमें सबसे पहला है घनत्व। घनत्व के बारे में अपन पॉपुलेशन के अंदर काफी बात कर चुके हैं, पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली जातियों के जीवों की संख्या और उसकी जो क्षेत्रफल है उसको हम निकालेंगे तो हमें वहां की घनत्व या डेंसिटी का पता चल जाएगा। भाई 1 किलोमीटर में मान लीजिए 500 जीव मिल रहे हैं भिन्न भिन्न जाति के, तो अपन 500 जीवों में 1 किलोमीटर का अपन भाग देंगे तो हमको उस जगह का घनत्व पता चल जाएगा कि साहब यहाँ का घनत्व कितना है। सेकेंड है कवर किया हुआ एरिया। अब एक समुदाय के अंदर बहुत सारे पादप है, हम मान लीजिए सागवान के वन में यदि हम जा रहे हैं तो सागवान के पेड़ों द्वारा वहां पर कितना एरिया कवर किया गया है,
वो कवर किया गया एरिया ही उस जगह का कवर्ड एरिया कहलाएगा। इससे अपने को क्लियर पता चल जाएगा कि उसकी कवरिंग कितनी है। नेक्स्ट है ऊंचाई। ऊंचाई के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कैनोपी होता है, कैनोपी के बाद में अंडर स्टोरी, फिर ग्राउंड लेवल पे, और फिर एट द लास्ट जो उसका है क्या नाम से ग्राउंड लेवल वाली सॉइल वगैरह जो है, ये सारी मिलकर उसको कंफर्म करते हैं। प्लांट्स की ऊंचाई नापने के लिए क्लाइनोमीटर कंसेप्ट होता है, जिसके आधार पर आप उसकी ऊंचाई को नाप कर बता सकते हैं कि उसमें कितनी ऊंचाई है। और नेक्स्ट है बायोमास या उसका शुष्क जैव भाग। किसी भी पादप का हमें बायोमास लेना है तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए किसी लीफ का बायोमास लेना है या स्टेम का लेना है, तो उसे कट करके उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन पे गर्म करके फिर उसको शुष्क होने दिया जाता है। जब उसका सारा पानी निकल जाता है तो वो टोटल उसका बायोमास निकलकर हमारे सामने आ जाता है। इस प्रकार हम मात्रा के आधार पर किसी भी समुदाय के बारे में कोई भी बात बता सकते हैं कि सब समुदाय किस तरीके से रहता है। ये हो गए अपने एनालिटिकल। अब अपन बात करते हैं सिंथेटिक करेक्टर पर, जो इसके संश्लेषणात्मक अभिलक्षण है। सिंथेटिक में पहला है उपस्थिति, स्थिरता और नियमितता। ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों से मिलकर आपका संश्लेषणात्मक अभिलक्षण क्लियर होता है। जैसे किसी भी चीज की अपन उपस्थिति बता रहे हैं, तो अब पर्टिकुलर समुदाय के अंदर हम जा रहे हैं, वहां हमने 30 सैंपल लिए, कितने 30 30 सैंपल में 6 सैंपल में कोई स्पीसीज रिपीट हो रही है। सपोज दैट हमने 30 सैंपल लिए, 30 सैंपल में से वो स्पीसीज 6 बार रिपीट हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इस जाति की जो उपस्थिति है वो लगभग 20% के आसपास है। संश्लेषणात्मक कंक्लूज करके मैं कोई बात कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि ये 20% अपनी उपस्थिति दर्शा रही है। इसकी स्थिरता भी हो गई और इसकी नियमितता भी ये हो गई। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि साहब ये चीज यहाँ पर कितनी बार दिखाई दे रही है, तो उसका परसेंटेज मैं बता सकता हूँ कि ये लगभग उपस्थिति इसकी इतनी, स्थिरता इतनी और इसकी नियमितता कितनी होगी। इसके बाद में है दूसरा निष्ठा। एक समुदाय में रहने वाले जीव अपने समुदाय के प्रति निष्ठावान होते हैं। वो किस प्रकार से होते हैं, जैसे मान लीजिए बर्फीली तेंदुआ है, बर्फीला तेंदुआ, और एक तुलना कीजिए साधारण तेंदुआ। इन दोनों की कंपेरेटिव स्टडी हम करेंगे तो हम ये पाएंगे कि बर्फीला तेंदुआ केवल हिम के अंदर ही पाया जाएगा, या जहां पर बर्फ होगी, सफेद होगी, चद्दर होगी बर्फ की, उसी जगह आपको बर्फीला तेंदुआ मिलेगा, और जबकि साधारण तेंदुआ आपको मैदानी भागों में मिल जाएगा। कहने का मतलब बर्फीला तेंदुआ अपने आवास के प्रति निष्ठावान है, वो केवल हिम में पाया जाएगा। यदि आप इसको मैदानी भाग में ले आओगे तो ये ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फलस्वरूप ये जीव या ये जातियां बदलते हुए वातावरणीय परिवेश के साथ अपने आप को ढालती रहती है, इसी कारण ये जल्दी से संकटग्रस्त हो जाती है, क्योंकि ये ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाती है, एक निश्चित परास तक ही उस वातावरण या उस आवास के साथ अपने आप को ढाल पाती है। जबकि साधारण तेंदुआ मैदानी भागों के अंदर तो जंगलों में भी रह सकता है, मैदान में भी रह सकता है, ये कहीं भी आ जा सकता है। तो जो इनकी निष्ठा है, उसमें निष्ठा के अंदर जो मेन चीज है कि ये अपने आवास के साथ कितना शो करते हैं। नेक्स्ट है प्रभाविता। एक समुदाय के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, लेकिन उन जीवों में जो सबसे ज्यादा संख्या में या बल में अपने आप को शो करेगा वो ही जीव प्रभावी रहेगा। जैसे वन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन सागवान का पेड़ उनमें सबसे ज्यादा प्रभावी है। एक जंगल में कई जानवर हैं, लेकिन शेर सबसे आक्रामक जीव है,
तो ये सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। कहने का मतलब एक समुदाय के अंदर जो जीव सबसे ज्यादा अपने आप को प्रदर्शित करता है वो जीव या वो वनस्पति उस जगह की प्रभाविता की श्रेणी में आती है। इसी में एक क्रम है आवर्ती का, ये भी सेम वही है, आवर्ति जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो जीव उस वनस्पति में या उस समुदाय में अपनी उपस्थिति ज्यादा दर्शाएगा तुलनात्मक अन्य जीव की। इसी के अंदर एक महत्व है, महत्व है मूल्य सूचकांक, इम्पोर्टेंसी वैल्यू इंडेक्स, इनके अंतर्गत आप घनत्व अपेक्षित घनत्व प्लस अपेक्षित आवर्ती प्लस अपेक्षित प्रभाविता जोड़ दें तो एक समुदाय की जो महत्व मूल्य सूचकांक जो है इंडेक्स जो है वो निकल कर सामने आ जाएगा। उससे हमको ये पता चल जाएगा कि इस समुदाय में इस वनस्पति या इस जीव जात का जो महत्व मूल्य सूचकांक है वो बिल्कुल क्लियर होगा। और एट द लास्ट जो समुदाय का सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी देखिए, एक समुदाय में जितने भी जीव रहेंगे वो उसकी बायोडाइवर्सिटी को शो करेंगे। कहने का मतलब है जनसंख्या में केवल एक जीव के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन समुदाय के अंदर हम पर्टिकुलर उस पूरे ग्राउंड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो जैव विविधता के अंतर्गत जो सबसे अच्छी बात है वो ये है खूबसूरती, भिन्न भिन्न तरीके की प्रजातियां, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वो वनस्पति जात हो, एक सुंदर वनस्पति जो है वो आपको मनोरम लगेगी, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव है वो आपको मनोरम लगेंगे। मैं आपको बताते हुए हर्ष का विषय है कि विश्व में 12 देश ऐसे हैं जिनकी बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छी है, उनमें से एक है। फिर रिपीट कर रहा हूं, विश्व में 12 देश ऐसे हैं जिनकी बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छी है। भारत देश उन 12 देशों की सूची में है जिनमें जैव विविधता सबसे अच्छी पाई जाती है। जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। बायोडायवर्सिटी अल्फा होती है स्थानीय स्तर पर, जो लोकल जो हैबिटेट है जहां पर पाई जाती है उसको अल्फा डायवर्सिटी कहते हैं। बीटा डायवर्सिटी क्षेत्रीय, मैं कहूँ किसी क्षेत्र विशेष के अंदर कोई डायवर्सिटी पाई जाती है तो बीटा। और जो गामा होती है ये गामा डायवर्सिटी महाद्वीप स्तर पर पाई जाती है। किसी महाद्वीप की हम तुलना करें तो वो बायोडायवर्सिटी गामा बायोडायवर्सिटी कहलाती है। इस प्रकार आज के अध्याय में हमने कम्युनिटी इकोलॉजी के शेष बचे हुए करैक्टर जितने भी थे उनके बारे में अध्ययन किया, जिसमें एक बार वापिस समराइज करा दूं, हमने एनालिटिकल और सिंथेटिकल डाटा पढ़े। और जबकि सिंथेटिक है जो कि उसको बाहर से दिखने पर वो कैसा दिख रहा है, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको घर पर पूरे मनोयोग से पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।